दोस्तों गुजरात से आता हूं, लेकिन गुजरात नरेंद्र मोदी का नहीं, पूज्य महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात से आप लोगों के बीच में यहां पर आया। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को जो वायदे दिए थे, वो वायदे पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी पूरे नहीं कर पाए। पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा का शासन है। जिस गुजरात मॉडल को देखते हैं, 2014 में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, प्रतापगढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट किया था, लेकिन उस गुजरात मॉडल को देखने का आप लोगों ने प्रयास दोस्तों नहीं किया। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादातर गुजरात के अंदर काम करते हैं, रोजगारी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अहमदाबाद, सूरत जैसे विस्तारों में काम धंधा करके गांव को देखने का प्रयास नहीं करते। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को फतेह करने का काम किया था, आज गुजरात के 16,000 गांवों में, 10,000 गांवों में दोस्तों पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं। आज गुजरात के जिस नौजवानों को रोजगार चाहिए, ईमानदारी से जीवन पालने का साधन चाहिए, वहां पर गुजरात में 55 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार घूमता फिरता है दोस्तों। और किसानों की बात करते हैं, किसानों को गुमराह करने की बात करते हैं, उसी गुजरात के अंदर दोस्तों पिछले 5 साल के अंदर 5,000 किसानों ने आत्महत्या की है। इस गुजरात मॉडल को हिंदुस्तान में लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस नरेंद्र मोदी और भाजपा के शासन से त्रस्त हो चुका है दोस्तों। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके में, अलग अलग लोकसभा में जनसभाएं करके दोस्तों आया हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवान किसान और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने यह फैसला कर लिया है 2019 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यहां से हराना है और वापस गुजरात भेजना है। 2019 का चुनाव किसी भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है दोस्तों, यह चुनाव भाजपा के खिलाफ हिंदुस्तान का किसान लड़ने वाला, भाजपा के खिलाफ हिंदुस्तान का नौजवान लड़ने वाला, भाजपा के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान लड़ने वाला। और इस चुनाव में अगर जीतेगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, रानी रत्ना सिंह जी जीतने वाले नहीं है, अगर हिंदुस्तान इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएगा तो हिंदुस्तान भी साथ साथ जीतने वाला है दोस्तों। मां भारती का बच्चा बच्चा ही हिंदुस्तान को जीतने वाला दोस्तों। आपका ये रामपुर खास बड़ा खास है, बड़ी जान है इस विधायक में, यहां की जनता में बड़ी शानदार उत्साह। मैंने अभी मोना जी से बोला कि यहां का किसान, यहां का नौजवान क्या, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मुझे कहा कि हमने और हमारे पापा ने यहां की जनता के लिए जो भी हो सका उतना ईमानदारी से किया है, जितना हो सका उतनी यहां के किसान और नौजवानों की समस्या का समाधान किया है। लेकिन कई सालों से जो काम वो यहां की जनता के लिए करना चाहते हैं, पिछले 2 साल से वो यहां की जनता के लिए काम और ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास करती है दोस्तों। लेकिन इस बार विधायक आपका है, सांसद भी आपका होगा और दिल्ली की सरकार भी आपकी होगी, वो फैसला आप लोगों को दोस्तों इस बार लेने की। जिस उत्तर प्रदेश के जरिए हिंदुस्तान की सरकारें बनती थी, आज इस उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं बदलाव और कहीं ना कहीं खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दोस्तों किया। आज उत्तर प्रदेश का किसान, आज
फसल के सही दाम लेने से परेशान है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान अच्छी और सस्ती शिक्षा लेने के लिए कहीं ना कहीं परेशानी घेरता है और इन सारी स्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों वचन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के बीच में एक ऐसी योजना लाई है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के नौजवानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं फतेह करके आप लोगों के बीच में दोस्तों लाएंगे। आज आप जो लोग जानते हैं कि पूरे प्रतापगढ़ जिले में अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं, इंटर कॉलेज नहीं है। अगर शिक्षा है तो प्राइवेट हो चुकी है, सरकारी शिक्षा खत्म कर दी गई है। ऐसे हालात में हमारी सरकार 2019 में बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2019 में बनती है तो 2019 के बाद सरकारी शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरी तरह से मुक्त की जाएगी और प्रतापगढ़ और हिंदुस्तान के नौजवान को मां सरस्वती की शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं इस प्रतापगढ़ में किसानों को क्या चाहिए, किसानों को क्या जरूरत है, उस पर भाजपा ने कोई काम नहीं किया। परिवार ने आगे जनता के लिए काम किया है और रानी रत्ता सिंह ने भी बड़ी खुलकर कहा है कि यहाँ के किसानों के लिए, गांव गांव की समस्या के लिए जो भी मुझे काम करना पड़े मैं दिल्ली से यहाँ की जनता के लिए हर एक चीज आगे खड़ी कर दूंगी ताकि यहाँ की जनता को कोई समस्या ना रहे। दोस्तों नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में बड़े माहिर है, उनका काम है झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना ताकि आम लोगों को लगे कि नरेंद्र मोदी सत्य बोल रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 5 साल में कम से कम 600 करोड़ रुपए का उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगाए हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी पोस्टर लगाना, अपनी सभाओं में भीड़ लाने के लिए खाना देना, गाड़ियां रखना, पैसा देना, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में हिंदुस्तान को दोस्तों बर्बाद करने का काम किया है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मेरी माताएं मेरी बहनें आई, आप लोग नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के अंदर 2000 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है और कुछ दिन पहले जब उन्नाव के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई, उस बलात्कार की घटना के अंदर भाजपा का विधायक शामिल था। दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान नहीं करते? क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का शोषण करना चाहते हैं? इसके खिलाफ मेरी माता और बहनों को कहना आया हूं कि आप लोग रानी दुर्गाबेन के, महारानी दुर्गाबेन के और रानी लक्ष्मीबाई बन के आप लोगों को अपने मैदान में आने की जरूरत है और 12 तारीख को रानी रत्ना सिंह को वोट देकर आपके अपमान का जवाब लेना है। दोस्तों यहां पर बड़ी मात्रा में नौजवान सब लोग जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी मंच पे आते थे तो कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाते थे, मोदी मोदी के नारे लगाए थे, वो उनके ही 100 रुपए लाकर उनको खड़ा किया। जब नरेंद्र मोदी कहते थे कि मेरी सरकार बनेगी मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आप बताइए दोस्तों जो लोग रोजगार देने की बात करते आज रोजगार नहीं दे पाए और इन्हीं के जवाब में प्रमोद तिवारी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सबसे पहले सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में खाली पड़े सरकारी 3 लाख पद और पूरे हिंदुस्तान में खाली पड़े 33 लाख पदों को भरा जाएगा और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आज हम लोग दोस्तों जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसी में लड़ाई करवाना चाहते हैं। अभी प्रमोद जी ने कहा कि जो भाजपा के लोग थे उनको टिकट नहीं दिया। प्रमोद जी मैं आपको कहने चाहता हूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मुरली मनोहर जोशी को भूल गई, अडवाणी जी को भूल गई, अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गई और ज्यादा से ज्यादा भगवान राम को भी भूल गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को यहां से बताने की दोस्तों जरूरत है। गांव का नाम भी अक्तरामपुर खास,
इसमें राम भी आ जाता है, अयोध्या का राजा राम भी आ जाता है, पूर्व में अयोध्या भी आ जाती है। यहां आप लोगों को कहने के लिए आया हूं कि जिन्होंने 25 साल से भगवान राम को ठगने का काम किया हो, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर राजनीति चलाने का काम किया हो, आप लोगों को यह फैसला करना है कि जो लोग भगवान राम को ठग सकते तो हमारी राम की हैसियत क्या है, हमको भी ये लोग ठगने में कोई वाकई नहीं रहेंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं मेरे पापा के साथ बैठा था, कई बार मैं हंसी मजाक में बोल देता हूँ कि पापा राम मुझे कब करेंगे, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पापा भी मुंडा से अयोध्या आए थे राम मंदिर बनाने के लिए, तो वो भी कई बार मुझे कह देते हैं कि बेटा जब मुझे ऊपर से कोई बताएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा राम मंदिर कब करने का। दोस्तों हमें अब जागृत होने की जरूरत है, हमें मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं, हमें लड़ना है तो सरकारों से लड़ना है अच्छी शिक्षा के लिए, हमें लड़ना है तो सरकारों से लड़ना है किसानों की फसल के सही दाम के लिए, अगर हमें लड़ना है तो सरकार से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आपस में लड़ाई लड़ते लड़ते इस महाभारती के भारत को हमने कहीं ना कहीं खोखला करने का दोस्तों काम किया है, और जब से भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान के अंदर स्थापना हुई है तब से हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का दोस्तों काम किया है। आज एक वीडियो आया था, मैं और प्रमोद तिवारी जी वही देख रहे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रतापगढ़ के अंदर राजीव जी के खिलाफ आज हमारे हाथ में फोन है, हमारे घर में कंप्यूटर है, आज विमान है, हवाई अड्डे है, जिन्होंने बनाए ऐसे राजीव जी पर कहीं ना कहीं विभिन्न अभद्र टिप्पणी करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों के अंदर, शायद नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं ना वो कांग्रेस पार्टी लाई थी, इसलिए आप इधर से उधर कूद रहे हैं, शायद वो भूल गए कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब सिर्फ 5 गांव में बिजली थी, उसके बाद हिंदुस्तान के 3 लाख गांव में बिजली लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों किया है। और कई बार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी, हम उनको बताना चाहते हैं जब आप आधी चड्डी पहन रहे थे तब जवाहरलाल नेहरू ने भाभा परीक्षण केंद्र खोल दिया था और हिंदुस्तान की ताकत क्या है विदेशों को बता दिया। आप लोगों को जागरूक होकर बोलने की जरूरत है, आप जब 12 मई को वोट डालने जाओगे, आप राणा रत्ना सिंह को अपना वोट करेंगे तब आपका एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ राणा रत्ना सिंह को मिलने वाला नहीं है दोस्तों, आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा को मिलने वाला है जिस विचारधारा के साथ पूज्य महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान लोग इस कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे, आपका एक एक वोट इन लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। चार लोगों के बीच में गुजरात से खास आया हूं, इस रामपुर खास को कहने के लिए आया हूं, इस बार कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि आपका सांसद जब दिल्ली में जाएगा तो आपके लिए एक एक बात उठाएगा, एक एक आवाज उठाएंगे, एक आदमी दिल्ली में आवाज उठाएंगे, मौना संघी लखनऊ के अंदर आपके लिए आवाज उठाएंगे और आप लोगों को यह तय करना है कि हमारा रामपुर खास और प्रतापगढ़ जिला काफी मजबूत और काफी सतर्क बना रहे। कई लोगों ने हमें कहा और मैंने भी कई लोगों को कहा कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेवारी दी थी कि हिंदुस्तान के अंदर छोटे मोटे रियासत है उन लोगों को हमको साथ करना पड़ेगा और अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा, तब इस हिंदुस्तान की छोटी मोटी रियासतों ने एक भी आवाज नहीं की थी और कहा था कि मां भारती का हिंदुस्तान अगर अखंड होता है तो हम अपनी रियासत इस देश को देने के लिए तैयार है। आज उसी रियासत की एक लड़की एक बेटी आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जिन्होंने अपनी रियासत इस देश के लिए दी थी तो आज आपको अपना वोट उस व्यक्ति उस बेटे को मजबूत करके इस भारत को फिर से मजबूत करने के लिए दोस्तों दे रहा है। दोस्तों आज भारत बड़ा खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के संविधान को खत्म करने का काम किया, भारत की सुरक्षा को खत्म करने का काम किया, भारत की एकता और अखंडता को खत्म करने का दोस्तों काम किया है। गुजरात के अंदर जब हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो
नरेंद्र मोदी ने 14 फुट के बच्चों की छाती में गोली मारी, दलितों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, ओबीसी को मारा गया। तब हमने उनको कहा था कि मोदी जी आपने गलत कर दिया है, इस हिंदुस्तान के उन लोगों को आपने मारा है जिन्होंने हिंदुस्तान को सींचने का काम किया है। हमने वादा किया है कि नरेंद्र भाई आपको दिल्ली से वापस गुजरात भेजेंगे, गुजरात में हम संभालेंगे, लेकिन गुजरात के बाकी प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देंगे, कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। दोस्तों आप यहाँ बड़ी मात्रा में आए हैं, बड़ा प्यार है आपका प्रमोद जी पर और उनकी बेटी, बड़ा उत्साह। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जितना हो सका है मैंने बड़ा यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, अब मैंने अपनी बेटी पर जिम्मेवारी दी कि वो भी यहाँ के लोगों पर काम करे। 12 तारीख यहाँ से आप निकलेंगे सभा से, ये कह के नहीं निकलोगे बहुत अच्छी सभा थी, बहुत अच्छा बोले, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने कस्बे में ये वादा लेना, ये संकल्प लेना है कि 12 तारीख को सुबह 11 बजे से पहले कांग्रेस पार्टी के सिंबल के सामने अपना वोट देंगे और रत्ना सिंह जी को बड़ी मात्रा और भारी बहुमति से यहाँ से चुनकर आप लोग देंगे। मोना जी ने कहा कि हम यहाँ 1 लाख से अधिक वोटों से बहुमत दिलवाएंगे अपने विधानसभा से। मुझे लगता है कि जैसा आपका प्यार और उत्साह और उनकी मेहनत है, आप अकेले के विधानसभा यहाँ से सवा लाख आप यहीं से निकालेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में आकर लगा है, आप किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, मेरी माता, मेरी बहने, मैं आप सबको विनती करने के लिए आया कि मैं उस गुजरात से आता हूँ जिस गुजरात में गांधी और सरदार की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। उस भूमि को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया दोस्तों, वहां का किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है। आप लोगों को इस उत्तर प्रदेश की भूमि को बचाना है, आप लोगों को प्रतापगढ़ की भूमि को बचाना है, और सब लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना हो तो उत्तर प्रदेश जाके जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि ये व्यक्ति ना मां गंगा का बेटा है, ना मां गंगा ने बुलाया था, ना मां भारती का ये लाल है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए और हिंदुस्तान को ठगने के लिए नरेंद्र मोदी आया है। और इस स्थिति में आप लोग जागरूक होइए, आप लोग मजबूत होइए, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आप पर भरोसा करेंगे। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आखिरी में मैं बोलूंगा जय जवान, दो हाथ ऊपर करके, मुट्ठी को बंद करके जय किसान बोलिएगा दोस्तों, ताकि लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ को पता चले कि प्रतापगढ़ का किसान अब जागृत हो गया है, दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को पता चले कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अब अपना अधिकार मांगने आ रहा है, ताकि वो आपके बारे में कुछ सोच सके, अगर न सोच सके तो 23 तारीख को इन सबको भगाओ यहाँ से और हिंदुस्तान का फिर से निर्माण करो, ताकि हिंदुस्तान पूरे विश्व में विश्वगुरु बन सके। दोस्तों जय जवान, 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 धन्यवाद, जय हिंद।